मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में पॉपअप और इमेज ऑप्शंस की सेटिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि पॉपअप और इमेज प्रेफरेंसेस को कैसे सेट करें, टूलबार कस्टमाइज करना। पॉपअप विंडोज या पॉपअप्स विंडोज होती हैं जो आपकी अनुमति के बिना स्वतः प्रकट होती हैं। वे आकार में भिन्न होती हैं लेकिन आमतौर पर पूरी स्क्रीन नहीं घेरती हैं। कुछ पॉपअप वर्तमान फ़ायरफ़ॉक्स विंडो पर ऊपर खुलते हैं जबकि दूसरे फायरफॉक्स के नीचे दिखाई देते हैं। पॉपअप काफी तकलीफ देह हो सकते हैं और इसी वजह से आप उन्हें अक्षम करना चाहते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम Ubuntu 10.04 पर फायरफॉक्स वर्जन 7.0 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फायरफॉक्स ब्राउजर खोलते हैं। यूआरएल बार में www.popuptest.com टाइप करें, एंटर की प्रेस करें। यह साइट आपको बताती है कि पॉपअप क्या है। मल्टी पॉपअप टेस्ट लिंक पर क्लिक करें। आप 6 पॉपअप्स देखेंगे। बैक पर क्लिक करें। 2 और पॉपअप दिखाई देते हैं। देखें कि वे कैसे तकलीफ देह हैं। फायरफॉक्स आपको पॉपअप्स और पॉपअप अंडर्स दोनों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। यह एडिट और फिर प्रेफरेंसेस पर क्लिक करके किया जाता है। विंडोज यूजर्स कृपया टूल्स और फिर ऑप्शंस पर क्लिक करें। प्रेफरेंसेस विंडो में कंटेंट टैब पर क्लिक करें। डिफॉल्ट रूप से ब्लॉक पॉपअप विंडोज ऑप्शन पहले से ही ऑन होता है। यदि नहीं तो आपको इसे चेक करने की जरूरत है। तो आपको फायरफॉक्स में पॉपअप प्रदर्शित होने से रोकने के लिए इसे सक्षम करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्लोज बटन पर क्लिक करके फायरफॉक्स प्रेफरेंस विंडो बंद कर सकते हैं। आप एक्सेप्शन का भी चयन कर सकते हैं। एक्सेप्शन साइट वो होती है जिसके पॉपअप्स आपके लिए स्वीकार्य होते हैं। एडिट और प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें। विंडोज यूजर्स कृपया टूल्स और ऑप्शंस पर क्लिक करें। एक्सेप्शंस जोड़ने के लिए ब्लॉक पॉपअप विंडोज फील्ड के आगे एक्सेप्शंस बटन पर क्लिक करें। यह एक डायलॉग बॉक्स खोलता है। एड्रेस ऑफ वेबसाइट फील्ड में www.google.com टाइप करें। अलाउ बटन पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए क्लोज पर क्लिक करें। प्रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए क्लोज पर क्लिक करें। अब google.com छोड़कर सभी साइट्स से पॉपअप्स अस्वीकृत होंगे। अब यूआरएल बार में www.popuptest.com टाइप करें और एंटर की प्रेस करें। मल्टी पॉपअप टेस्ट लिंक पर क्लिक करें। एक भी पॉपअप प्रदर्शित नहीं होता है। आपका पॉपअप ब्लॉकर प्रभावी है। इमेजेस डाउनलोड होने में समय और बैंडविड्थ लेती हैं। मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में इमेजेस को चयनात्मक रूप से डाउनलोड रोकने के लिए एक ऑप्शन है। एडिट और प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें। विंडोज यूजर्स कृपया टूल्स और ऑप्शंस पर क्लिक करें। प्रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स में कंटेंट टैब पर क्लिक करें। लोड इमेजेस ऑटोमेटिकली चेक बॉक्स अक्षम करें। डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए क्लोज पर क्लिक करें। अब सर्च बार में फ्लावर्स टाइप करें और एंटर की दबाएं। गूगल होम पेज से इमेजेस पर क्लिक करें। प्रदर्शित पहले इमेज लिंक पर क्लिक करें। हम देखते हैं कि इमेज लोड नहीं होती है। मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स टूलबार्स कस्टमाइज करने के लिए कई ऑप्शंस प्रदान करता है। मानते हैं कि हम किसी टूलबार को छुपाना चाहते हैं, उदाहरण के लिए मेन्यू बार। मेन्यू बार के खाली अनुभाग पर राइट क्लिक करें और इसे अनचेक करें। बस इतना ही। मेन्यू बार को फिर से देखने के लिए टूल बार के खाली अनुभाग पर फिर से राइट क्लिक करें। अब मेन्यू बार ऑप्शन को चेक करें। टूल बार्स को कस्टमाइज करने के लिए फायरफॉक्स एडवांस्ड ऑप्शंस प्रदान करता है। कुछ ऑप्शंस देखें। टूल बार पर एक आइकन जोड़ें जो हमें एक क्लिक में वेब पेज प्रिंट करने की अनुमति देगा। टूल बार के खाली अनुभाग पर राइट क्लिक करें। कस्टमाइज पर क्लिक करें।
कस्टमाइज टूलबार डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। डायलॉग बॉक्स के भीतर आप प्रिंट आइकन देखते हैं। टूलबार पर आइकन ड्रैग करें, डन पर क्लिक करके डायलॉग बॉक्स बंद करें। टूलबार में प्रिंट आइकन पर क्लिक करें। यह प्रिंट डायलॉग बॉक्स को लाता है। अब हम प्रिंट नहीं करेंगे। अतः डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए कैंसिल पर क्लिक करें। अब टूलबार को जोड़ या हटा सकते हैं। ऐसा करने के लिए टूलबार पर राइट क्लिक करें और कस्टमाइज चुनें। ऐड न्यू टूलबार बटन पर क्लिक करें। नई टूलबार के लिए एक नाम दर्ज करें। इसे सैंपल टूलबार नाम दें। ओके बटन पर क्लिक करें। अब सैंपल टूलबार पर एक आइकन डाउनलोड्स ड्रैग और ड्रॉप करें। ब्राउजर में नए टूलबार पर ध्यान दें। टूलबार निकालने के लिए रिस्टोर डिफॉल्ट सेट बटन पर क्लिक करें। कंटेंट्स एरिया को अधिकतम करने के लिए हम आइकन का आकार कम कर सकते हैं। यूज स्मॉल आइकन्स नामक चेकबॉक्स चेक करें। डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए डन पर क्लिक करें। हम देखते हैं कि आइकन्स का आकार छोटा हो गया है। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि पॉपअप और इमेज प्रेफरेंसेस कैसे सेट करें, टूलबार कस्टमाइज करना। यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। एक नई मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स विंडो खोलें, उनको छोड़कर जो www.yahoo.com से हैं, सभी पॉपअप्स ब्लॉक करें। एक बुकमार्क्स टूलबार प्रविष्ट करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती हैं, उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार के MHRD मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने ICT के माध्यम से समर्थित किया है। इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है, spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट सिद्धेश द्वारा अनुवादित है। IIT मुंबई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।